हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेम गिलोद। द यूपीएससी प्रेमी क्लास में आप सभी का स्वागत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, चैनल सब्सक्राइब करके पास में रिंग बेल बटन उस पर क्लिक करना ना भूलिए। रिंग बेल पे आप बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही नोटिफिकेशन में नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आप तक बाय मैसेज पहुँच जाएगा। आज हम देखने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की जितनी भी योजना है 1956 से लेकर 2017 तक, सारी योजना 80 प्लस योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की। और ये सारी योजनाएं आपको कहीं पे भी डिटेल नहीं मिल पाएगी। और सीक्वेंस में जैसे 1956 से जो भी स्टार्ट हुई है योजनाएं जब जब आई है, तो वो सीक्वेंस में 2017 तक की एकदम करंट अफेयर तक की सारी योजना। इसमें करीब मैं 3 से 4 वीडियो बनाऊंगा तो जिसमें आपको सारी योजनाएं कवर अप हो जाएगी। और एक वीडियो में सारे वीडियो की डिटेल में हम और चीजें देखेंगे मोस्ट टाइम पे। और ये सारी योजनाएं हर पेपर में आती है। जैसे कि हम देखने जा रहे हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट है पढ़ो कमाओ, और योजना कब से प्रारंभ हुई तो ध्यान रखिए 1978 से प्रारंभ हुई। उसके बाद सेकेंड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये मोस्ट आईएमपी है जो बार बार पूछी जाती है तो ध्यान रखिए 1986। अब इसमें आप याद रख सकते हैं ब्लैक बोर्ड क्या था, हाफ था। हाफ मतलब क्या, आधा था। तो एच का कोड कितना होता है, अपन रीजनिंग में पढ़ते हैं, एच का 8 होता है, एफ का 6 होता है, तो आप याद रख सकते हैं। जनरली वहां पे ईयर याद करना मुश्किल रहता है, तो ब्लैक बोर्ड क्या है, हाफ है। इसके अंदर प्राथमिक शाला में 2 शिक्षक होना अनिवार्य है, ये चीज ध्यान रखिए। आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कितने शिक्षक अनिवार्य हो सकते हैं ब्लैक बोर्ड में, अगर टफ पेपर बनाता तो वो एक वाला क्वेश्चन जरूर देगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन ये कब आया था, तो ध्यान रखिए 20 अगस्त 1994 में आया था। तो याद रखने के लिए मैं बता सकता हूँ, इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए शिक्षा प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। तो ध्यान रखिए राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा मिशन आप याद रख सकते हैं। आपको खाली ईयर याद रखना, तो 94 याद रखने के लिए आई का कोड कितना है, 9, और डी मतलब डी। तो आपको अगर राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा पाना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, तो इससे भी आप याद रख सकते हैं आईडी। देन अगली योजना देखते हैं मध्य प्रदेश की, पढ़ना, देखिए बढ़ना आंदोलन 1999 में प्रारंभ हुआ था। तो अब याद रखिए यहाँ पे देखिए पढ़ना बढ़ना, इसमें भी 3 वर्ड है, इसमें भी 3 वर्ड है, तो ध्यान रखिए तो आपका 3-3 वर्ड से क्या बन जाएगा, देखिए तो आप बोल सकते हैं नो नो और नो, ठीक है, याद रखने के लिए। देखिए पढ़ना में 3 वर्ड, बढ़ना में 3 वर्ड, तो आप याद रखते हैं नो नो और नो। देन उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम, शिक्षा गारंटी योजना कब से चालू हुई, 1 जनवरी 1997। तो ध्यान रखिए शिक्षा की गारंटी योजना 1997, तो आप कोड याद रख सकते हैं, आईजी याद रख सकते हैं, या फिर अगर याद रखना तो आईजी शपथ भी याद रख सकते हैं। शिक्षा गारंटी की शपथ ली सभी ने, तो आईजी शपथ लेते हैं। देन इसके लिए शिक्षा के लिए विद्यालय की स्थापना करना था, इसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा की स्थापना करना विद्यालयों की। अगली देखते हैं हम योजना, गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, ध्यान रखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, ये भी कब आई थी, 1999 में आई थी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अभी एग्जाम में 2 बार आ चुका है, इसका आंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगली योजना देखते हैं 7वीं योजना, सौभाग्यवती योजना, ये कब आई थी, वर्ष 2002 में आई थी। इसकी ये इम्पोर्टेंस है तो आपसे पूछा जाएगा, अनुसूचित जाति की कन्याओं के विवाह में सहयोग करने के लिए कौन सी योजना चला रहे हैं, सौभाग्यवती योजना चला रहे हैं। इसी सेकंड क्वेश्चन ये बनेगा, सौभाग्यवती योजना कब से प्रारंभ हुई है, सन 2002 से प्रारंभ हुई है। अगली योजना देखते हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले व्यक्तियों के उपचार उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो ध्यान रखिए दीनदयाल अंत्योदय उपचार 2004। अब इसमें मैं 2004 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आगे हम पॉइंट देखेंगे, दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना में कितनी राशि तक उपचार के लिए प्रदान की जा सकती है, तो ये ध्यान रखिए 20,000, यही 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था एमपी के एग्जाम में। देन अगला दीनदयाल समर्थ, देखिए अब यहाँ पे खाली एक वर्ड चेंज करा गया है, दीनदयाल समर्थ योजना कब से प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखिए 25 सितंबर 2004। ये किसके लिए, तो समर्थ मतलब क्या, समर्थ याद रखिए बच्चों के लिए है,
निशुल्क शिक्षा प्रदान करना और छात्रवृत्ति प्रदान करते हैं, समर्थ में बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा। देन उसके बाद अगला पॉइंट, गोकुल ग्राम प्राकलन योजना कब से प्रारंभ हुई, तो ये भी सेम डेट है, देखिए 25 सितंबर 2004, ये भी 25 सितंबर 2004। गांव के विकास के लिए है, ध्यान रखिए ग्राम आ गया तो गांव के विकास, समर्थ आ गया तो बच्चों के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, अंतर्योदय उपचार योजना, ये भी ध्यान रखिए 25 सितंबर 2004। यह योजना अनुसूचित जनजाति के गरीब रेखा से नीचे निवास करने वाले लोगों के लिए और व्यवस्था की शुरुआत करी गई, व्यवसाय और इन सब के लिए दी गई है, तो याद ध्यान रखिए। देन उसके बाद वापिस से देखिए, ये सारे मैं चीजें एक बार शॉर्ट एक रिव्यू जरूर बताऊंगा। दीनदयाल रोजगार, यहाँ पे क्या गया, रोजगार गारंटी योजना भी 25 सितंबर 2004 को चालू हुई है। देन एक और योजना देखते हैं, झुग्गी बस्तियां के लिए अयोध्या योजना चलाई गई है, मोस्ट आईएमपी, ध्यान रखिए 25 सितंबर 2004 ग्रामीण विकास के लिए ये योजना चलाई गई है। इसमें देखते हैं, देन एक शॉर्ट रिव्यू में आपको बता देता हूँ ये सारी चीजों का। अब ये पांच योजना आप याद कर लीजिए, देखिए पहली क्या थी, दीनदयाल समर्थ योजना, समर्थ बच्चों के लिए, ये भी 25 सितंबर 2004। फिर ग्रामीण मतलब क्या, अनुसूचित जनजाति और इनके लिए है 25 सितंबर। फिर अंतर्योदय उपचार योजना, ये भी 25 सितंबर को चालू हुई थी। फिर रोजगार गारंटी दी है तो ये भी 25 सितंबर 2004। और झुग्गी बस्ती या फिर ये नहीं देते हुए तो आपको दिया जाएगा अयोध्या योजना, तो ध्यान रखिए ये भी 25 सितंबर 2004। तो ये था मेरे तरफ से आपके लिए शॉर्ट रिव्यू था, ये पांचों योजना ध्यान रख लीजिए 25 सितंबर 2004। देन वापिस से हम आ जाते हैं वापिस से लेक्चर पे, गोकुल ग्राम योजना प्रकलन 2004। देन येलो पॉइंट है क्या, ग्रामीण क्षेत्र में आवासहीन के लिए आवास उपलब्ध कराने, यानी घर उपलब्ध कराने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कौन सी योजना चलाई है, तो ध्यान रखिए इंदिरा गांधी आवास योजना, और ये कब से चालू है, सन 2005 से चालू हुई है। अगला पॉइंट देखते हैं, गांव की बेटी योजना कब से प्रारंभ हुई है, ध्यान रखिए सन 2005 से प्रारंभ हुई है ये भी, और इंदिरा गांधी आवास योजना भी, जिसमें 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी, ये पूछ सकते हैं प्राप्त पॉइंट में, 12वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी प्राप्त होने के बाद निःशुल्क शिक्षा और 500 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति दी जाएगी। तो पूछ सकते 500 रुपये प्रति छात्रवृत्ति किस में देते हैं, गाँव की बेटी योजना मध्य प्रदेश में। देन अगली योजना देखते हैं हम, जननी सुरक्षा योजना कब से आई है, तो ध्यान रखिए सितंबर 2006 से। इसमें क्या, शिशु और मातृ मृत्यु की दर कम करने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है, जननी सुरक्षा योजना, और ये कब आई है, 2006 में, आप याद रख सकते हैं 2006। देन अगला पॉइंट देखेंगे हम, सुदूर आंचलों और सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो याद रखिए देखिए दीनदयाल है चलित अस्पताल, मतलब जो चिकित्सा नहीं पहुंच पाती, जहां पे हॉस्पिटल नहीं है, तो उनके लिए भी सन 2006 में। ये सारे ईयर वाइज मैंने कलेक्शन कराया, 2005 के अलग है, 2006 के अलग है, तो आप ये सीक्वेंस में नोट डाउन जरूर कर लीजिए। देन ये कब है, 2006 में। देन अगला देखते हैं हम पॉइंट, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना अप्रैल 2006 में। देखिए शिक्षा के लिए भी 2006, मुख्यमंत्री कन्या भी 6 में आ गई। देन अगला देखते हैं कन्या, देखिए साक्षरता को प्रोत्साहन करने हेतु ये योजना कब से प्रारंभ हुई है, 2006 में। अब इसके अंदर क्या है, कन्या साक्षरता का प्रोत्साहन देना है, तो अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहन करने के लिए आपको ये योजना प्रदान की गई है। देन देखते हैं अगला, मध्य प्रदेश के ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश के 18 जिले प्रारंभ हुए हैं। देन यह योजना 1 अप्रैल 2008 से संपूर्ण देश में, पूछ सकते हैं कितने जिलों में प्रारंभ हुई, तो ध्यान रखिए 18 जिलों में और पूरे देश में 1 अप्रैल 2008 से प्रारंभ की गई है ये योजना। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट थे। देन हम अगले वीडियो में देखते हैं नेक्स्ट इसके आगे की। थैंक यू सो मच।